छिंदवाड़ा के जुन्नाधेव थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए गोलीकांड में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को ढाबे से गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिस्टल, एक कारतूस और धारदार हथियार चाकू बरामद किए। साथ ही अलावा घटना में इस्तेमाल की गई चार पहिया वाहन और मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया। बता दें कि आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक युवक पर 3 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। चारों आरोपियों को एक ढाबे में बैठे हुए होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस की टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी करके पकड़ा गया और घटना के संबंध में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना जुर्म स्वीकार किया और घटना दिनांक 23 तारीख को रात्रि 10:30 बजे विशाल उर्फ झंडू कहार, उसके भाई विकास कहार, आकाश कहार के ऊपर फायर आर्म्स से गोली चला करके जानलेवा हमला करना, जान से मारने की नीयत से घटना कारित करना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त जो फायर आर्म्स है वह भी आरोपियों से जब्त किया गया है।